हे गाइस, वेलकम बैक टू कुक एंड बेक विद रश्मि। सो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही इजी और क्विक बनने वाली रेसिपी, जो कि है फ्रेंच बीन्स की, जिसे हिंदी में हम फंसी भी कहते हैं। और ये बहुत ही जल्दी क्विक बनती है, कुछ ही मिनटों का काम रहता है इसमें, और जो टेस्ट रहता है इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए झटपट से बनाना शुरू करते हैं फ्रेंच बीन्स की सब्ज़ी। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें डालेंगे तेल। तेल अच्छे से एक बार गर्म हो जाए, आप यहाँ पे नारियल तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, ये सब्ज़ी नारियल के तेल में भी काफ़ी अच्छी लगती है। सो चलिए अभी जो तेल है वो हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से। सो इसके बाद हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम स्पून इतनी उड़द दाल। सो यहाँ पे हमें लेनी है सफ़ेद उड़द दाल। यहाँ पे जो फ्लेम है वो फिलहाल मीडियम हाई पर है। सो इसे अच्छी तरीके से हमें रोस्ट कर लेना है। ये जस्ट क्विकली 1 सेकेंड के अंदर ही अच्छे से रोस्ट हो जाती है, जस्ट गोल्डन कलर आ जाए इसके ऊपर। सो आप देख सकते हैं विद इन 1 सेकेंड अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है इस पर। सो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून राई। राई डालते ही ये अच्छे से तड़कनी चाहिए। इसके बाद इसमें जाएगी हरी मिर्ची, जो कि मैंने फाइनली चॉप की है। यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्ची ली थी, आप चाहिए तो थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सम फ्रेशली करी लीव्स डालेंगे हम, कड़ी पत्ता। और बस तुरंत ही हम इसमें डाल देंगे हमारे फ्रेंच बीन्स यानी कि फंसी। सो यहाँ पे मैंने इसको स्मॉल स्मॉल डाइसेस में कट कर लिया था, और ये वज़न में 250 ग्राम ली हुई थी मैंने। सो इसे बस अच्छे से एक हम लोग क्विक स्टर दे देंगे 1 मिनट के लिए, अच्छे से हमें इसे फ्राई कर लेना है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सॉल्ट जो है वो स्टार्टिंग में हमें बहुत ही कम ही डालना है। सो यहाँ पे मैं अराउंड 1/2 टीस्पून इतना ही नमक डाल रही हूँ, अगर हमें बाद में लगे तो ये इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सभी एक बार अच्छे से हम चला लेंगे इसे, और अभी इसे लो फ्लेम पर हम 5 मिनट तक ढक के पका लेंगे। सो ये बहुत ही जल्दी पक जाती है, क्योंकि हमने स्मॉल डाइसेस में भी इसे कट किया हुआ है। सो अभी मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो चलिए अभी 5 मिनट हो चुके हैं, अभी हम हमारी सब्जी को चेक कर लेते हैं एक बार। सो अभी जो हमारी सब्जी है ये ऑलमोस्ट डन होते के कतार पर है, बस और 3-4 मिनट और फिर ये जो सब्जी है वो डन हो जाएगी। सो अभी इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे नारियल। यहाँ पे मैंने फ्रेशली डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है, ये मैंने एक स्मॉल बाउल का 1/2 इतना ले लिया हुआ था, या फिर आप मान लीजिए 1 हैंडफुल इतना इसमें हमें ऐड करना है। और बस अच्छे से मिक्स करने के बाद हम 5 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे रख देंगे, जिससे कि जो नारियल है और सब्जी अच्छे से घुल मिल जाए एक दूसरे के साथ। चलिए अभी 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी चेक कर लेते हैं हम। तो चलिए आप देख सकते हैं कि जो हमारी सब्जी है फ्रेंच बीन्स की, वो कितनी क्विकली और कितनी इजीली बन चुकी है। ये बहुत ही मिनटों का काम है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है इस तरीके की फ्रेंच बीन्स, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई मसाले पड़ते हैं नहीं। तो जो असली फ्रेंच बीन्स का जो टेस्ट रहता है वो पूरा ही अच्छे से घुल मिल के आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल और कितनी फ्रेश सी है हमारी सब्जी। तो इसे अभी हम प्लेट कर लेते हैं। तो रेडी हो चुकी है हमारी फ्रेश फ्रेंच बीन्स की सब्जी। तो इसे एंजॉय कीजिए आप गरम गरम पराठों के साथ या फिर फुलकों के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है रोटी के साथ इसका, या फिर दाल राइस के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।